నిజామాబాద్ లో బీజేపీని గెలిపిస్తే పసుపు బోర్డు ఏర్పాటు చేస్తామని, ఎర్రచిన్న పంటకు మద్దతు ధర ఇస్తామని హామీ ఇచ్చారు కేంద్ర హోంమంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్. మోడీ సర్కార్ వచ్చాక అంతర్జాతీయంగా భారతదేశ ప్రతిష్ట పెరిగిందన్నారు. ఈ ఐదేళ్లలో టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అన్ని రకాలుగా ఫెయిల్ అయిందన్నారు రాజ్నాథ్ సింగ్. ప్రజా సమస్యలను అర్థం చేసుకుని పరిష్కరించే సత్తా ఉన్న అరవింద్ ను గెలిపిస్తే మోడీతో కలిసి ప్రజలకు సేవ చేస్తారని చెప్పారు రాజ్నాథ్. या आपने हैदराबाद में तेलंगाना में तो टीआरएस बना दिया, लेकिन यदि दिल्ली में भी सरकार बन रही है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को जिताइए, यही अपील करने आया हूं. अब क्या हाल है आप लोगों की? फार्मर्स यहां के ठीक हैं? रैयत ठीक नहीं? ठीक है नहीं? आपका यह टर्मरिक खरीदा जा रहा है कि नहीं? हल्दी खरीदी जा रही है कि नहीं खरीदी जा रही है? नहीं. बहनों भाइयों, आप यहां से हमारे अरविंद गारू और लक्ष्मण गारू इन दोनों को जिताकर भेजिए. मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप ये हल्दी को खरीदने के लिए चाहे कोई भी व्यवस्था करनी पड़ेगी हम करेंगे. जरूरत हुई टर्मरिक बोर्ड बनाने की तो हम बोर्ड बनाने में भी पीछे नहीं रहेंगे. रेड ज्वार, ज्वार की प्राइस मिल रही है ठीक ठाक? नहीं मिल रही है. क्या हो रहा है? अरे कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये तेलंगाना की गवर्नमेंट कुछ कर रही है कि नहीं कर रही है? और मैं बतलाना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, हम लोग ऐसा सिस्टम डेवलप कर रहे हैं. 22 ऐसे आइटम्स हैं जिनकी की मिनिमम 22 आइटम्स हैं जिनकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम लोगों ने तय कर दी है. रेड ज्वार की जो यहां पर खेती होती है आपको उचित कीमत मिले, रिमुनरेटिव प्राइस मिले, इसके लिए जो भी करना होगा.